सोहागपुर माहौल में बना ईद उल फितर फलोत की मस्जिद में पढ़ी गई ईद की नमाज। फलोत में सौहार्दपूर्ण वातावरण गुरुवार को ईद उल फितर का त्यौहार संपन्न हो गया। सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को बधाई दी गई। त्यौहार को लेकर एक दूसरे के घर जाकर सेवई का लुत्फ भी उठाया गया। चौसा प्रखंड के विभिन्न ईदगाहों पर एवं मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह नमाज पढ़ी। मौके पर फलोत एवं अन्य क्षेत्रों में लोगों ने सारे गिले शिकवे दूर कर एक दूसरे को गले लगाया। वहीं अंचल अधिकारी ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त पर रहे। फलोत में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रोजेदारों ने ईद की नमाज अदा कर देश प्रदेश की तरक्की, अमन चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। रोजेदारों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह मस्जिद में नमाज अदा की गई। इस दौरान देश में अमन आपसी भाईचारे के साथ सौहार्द की भी दुआ की गई। इसमें बड़ी संख्या में रोजेदार मौजूद रहे। बच्चों में भी ईद को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मौके पर मौजूद थे ब्लॉग जर्नलिस्ट शहनशाह कैफ, चीफ ब्यूरो मधेपुरा गुलफराज शेख, कैफ खान, शब्बीर आलम, मजहर इमाम आदि ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस त्यौहार की बधाइयां दी है।